दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। रावण ने अपने प्राण त्यागने से पहले स्त्रियों के बारे में कहा था कि स्त्रियां बहुत ही ज़्यादा मतलबी होती हैं और वे अपना मतलब निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, फिर चाहे आपको उसे धोखा ही क्यों ना देना पड़े या किसी को रास्ते से ही क्यों ना हटाना पड़े या किसी को उन्हें अपनाना पड़े। ऐसे में स्त्रियां अपने लालच के चलते कुछ भी कर सकती हैं। स्त्रियां किसी भी लालच में बड़ी ही आसानी से फंस जाती हैं और आपको भी फंसा सकती हैं। रावण ने यह भी बताया था कि स्त्रियां अपनी बात से शीघ्र ही पलट जाती हैं। ऐसे में स्त्रियां कभी सत्य नहीं बोलती हैं। यही कारण है कि स्त्रियों के ऊपर काफ़ी सोच विचार कर भरोसा ही करना उचित है। ऐसे में स्त्रियां इधर उधर की बातों को इधर उधर करती हैं। इस तरह से स्त्रियां लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े भी करवा सकती हैं। ऐसे में कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। रावण ने अपने प्राण त्यागने से पहले ये भी बताया था कि स्त्रियों के पेट में कोई भी राज छिपा नहीं सकता है। भले ही आप स्त्रियों को कितने भी सगे संबंधी क्यों ना हो, वो आपका भांडा कभी ना कभी फोड़ ही देंगे। ऐसे में स्त्रियां गुप्त राज को आग की तरह फैला देती हैं, इसलिए कभी भी किसी भी स्त्री को अपनी गुप्त बातें नहीं बतानी चाहिए। अगर ऐसा किया जाए तो स्त्रियां हमारे विनाश का कारण भी बन सकती हैं और ये बात बिल्कुल सत्य है। रावण ने स्त्री के बारे में बताया था कि स्त्रियां किसी के भी बहकावे में बड़ी ही आसानी से फंस जाती हैं और किसी के भी जाल में फंस जाती हैं, फिर चाहे वो एक मर्द हो या फिर एक औरत। ऐसे में दूसरों की बातों में आकर स्त्रियां अपने ही घर का विनाश कर लेती हैं। स्त्रियां जब क्रोध में आती हैं तो वे सामने वालों को कभी नहीं छोड़ती, फिर चाहे वो उसका पति ही क्यों ना हो। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दो।